हेलो विद्वान बंधुओं और विद्वान कन्याओं, वेलकम टू गिल्स मेंटर ऑनलाइन ई लर्निंग क्लासेस। हम लोग इस प्लेटफॉर्म के अंदर जो कल का पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 में हम आ चुके हैं, HCF और LCM को हम लोग कर रहे हैं, जो आपके अपकमिंग पेपर और जो अभी नेक्स्ट वीक पेपर होने वाले हैं, चाहे पुड्डा एग्जाम, पटवारी एग्जाम, अपकमिंग वैकेंसी, RPF, सब इंस्पेक्टर, GD, SSC, CGL, CHSL, MTS, SSC, GD, ग्रुप डी एंड ऑल अदर एग्जामिनेशंस लाइक IBPS एग्जामिनेशंस, दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। पीछे देखा होगा कि पंजाब के अंदर PSPCL का जो पेपर क्लर्क का हुआ था, उसके अंदर LCM और HCF से बहुत क्वेश्चन आए थे और आपके आने वाले पेपर्स के अंदर भी आएंगे, क्योंकि जिंदगी के पल को अगर अच्छा सुधारना चाहते हैं तो मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि अपनी जिंदगी का LCM और HCF सही कर लेना, आपको कभी तकलीफ नहीं आएगी। उसके बाद की बात करें कि आज के चैप्टर में हम करने वाले क्या हैं। पार्ट नंबर 2 के अंदर मैं एलसीएम के पूरे फंडे आपको समझा दूंगा। फंडे दो तरीके के चलेंगे। सबसे पहला फंडा होगा विद्वान मित्रों, विद्वान बंधुओं और विद्वान कन्याओं। सबसे पहला होगा कि रामबाण विधि से हम कैसे करना है। दूसरा तरीका है कि ऑप्शन से कैसे आंसर निकालना है। यार सिर पकड़ के बैठ जाते हैं पेपर में, ठीक है? तो ऐसे जो अगर इस चैप्टर को नहीं समझा तो इसका मतलब तो ठुल्ले होते हैं। ठुल्ले उनको कहते हैं कि मतलब जो एकदम मतलब कहने का मतलब पढ़ना ही नहीं चाहता यार, दिल से कहूँ मैं तो। मतलब इस तरह के आदमी नहीं बनना है, स्मार्ट बनिए। पेपर कोई भी है, चाहे आपका आगे MTS पेपर होगा, अभी ग्रुप डी का पेपर होगा। देखो 2 मिनट की बात रखूंगा, प्रवचन देना मेरी सैद्धांतिक स्वभाव है, मानना या नहीं मानना आपकी मर्जी है। हालांकि बहुत सारे कुछ विद्वान बंधु ऐसे होते हैं कि यार सर क्या लिख रहे हैं, अरे यार तुम क्या यार पागल सी बातें करते रहते हो। आपको सिर्फ और सिर्फ ना दिल से और दिमाग से मजे से पढ़ना चाहिए यार, फालतू बातों में ध्यान नहीं देना चाहिए। तो बात मैं करता हूं आपसे, सबसे पहला पॉइंट था कि अभी आप ग्रुप डी के पेपर देखेंगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी कि हाँ यार पेपर कैसे आता। लोग इसको बहुत ही सिंपल पेपर मान रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि पेपर सिंपल नहीं होगा, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ के में अंदर पेपर होगा और इतना बड़ा मतलब पेपर कंडक्ट होगा अलग अलग शिफ्ट के अंदर अलग अलग लैंग्वेज में, तो आपको मालूम चलेगा। देखो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पे हजारों क्वेश्चन बना सकते हैं और GK के क्वेश्चन को कभी चेंज नहीं कर सकते। आपसे पूछ लिया कि पंजाब और हरियाणा की कैपिटल सिटी क्या, तो चंडीगढ़ है। आपसे दूसरा पूछ सकता है कि चंडीगढ़ किन दो राज्यों की कैपिटल है, तो पूछ लेगा। तीसरा क्या पूछेगा, तीसरा ये पूछेगा कि दिल्ली से कितने किलोमीटर आगे चंडीगढ़ है। नहीं, तो मैथमेटिक्स को कभी भी चेंज करके पूछ सकते हैं, इसलिए आप इनको सीरियस तरीके से उके पढ़ें, चाहे आप कोई भी पेपर निकालना है। देखो यार मैं SSC हर साल करता जा रहा हूँ, पिछले 4 साल से क्रैक करता जा रहा हूँ, मुझे एक पता है क्राइटेरिया ये SSC का रहता है और मैं उसके क्वेश्चन को चाट जाता हूँ। आप क्वेश्चन को चाटना सीखिए, मतलब जीभ से नहीं, मतलब दिमाग से, कैसे करना है कैसे नहीं करना, उसकी प्रोसीजर को फॉलो करें, उसके फंडे को फॉलो करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि गिल्ज मेंटोर का एक मकसद है कि आपकी जुबान पर गिल्ज मेंटोर और अच्छा मैथमेटिक्स आपके जेब में हो, दिमाग में, जब चाहे आप मतलब इसको फोल्डर बना के शिफ्ट कर लें और आपको पेपर में काम आएगा। चलिए सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिखा है, 2005 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, आपको ये क्वेश्चन पढ़ लेना है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच लिव्स रिमाइंडर 3, विच लिव्स रिमाइंडर 3 वेन डिवाइडेड बाई एनी द नंबर, मतलब किसी दूसरे नंबर को जैसे 5, 6, 8 से अगर अपन डिवाइड करते हैं तो कोई कहता रिमाइंडर नहीं बचता, लेकिन अगर हम इसको डिवाइड करें 9 से तो तब बताइए वो नंबर क्या है। वो कहता है कि वेन इट इज डिवाइडेड बाई 9, ठीक है? तो मतलब कहने का मतलब क्वेश्चन ये है, मैं पूरा हिंदी में बता देता हूं कि वो छोटे से छोटा नंबर बताइए जिसको आप 5, 6, 8 से डिवाइड करने पर 3 बचेगा, एंड अगर इसी को 9 से करें तो कुछ नहीं बचेगा। मतलब ये था, मैं थोड़ा सा पहले अलग बोल गया था, तो ये क्वेश्चन है, तो मैं थोड़ा सा आपको लाल मार्कर ले लेता हूं ताकि ये, चलिए कैसे करना है। देखो यार मैं तो रामबाण विधि से करूंगा, ठीक है? मुझे तो बस ये पसंद है कि मैं आपको अच्छा मैथमेटिशियन कैसे बना सकता हूं, मेरे दिमाग के अंदर ये चलती रहती है, चाहे अभी रात के 2 बज रहे हैं, मैं आपके लिए काम करूंगा, बस मुझे इतना पसंद है। और आपसे मैं चाहता हूं कि इसको शेयर कर दें, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़े, बस फैला दिया करो आप यार, फ्री के अंदर काम है, इतना भी नहीं कर सकते आप। तो सबसे पहले देखो, अगर मैं बात करूंगा कि मैंने क्या करना है कि एलसीएम लेना है, किस किस का लेना है, 5, 6 और 8 और +3 ऐड हो जाएगा, बात खत्म हो गई। भाई क्यों ऐड होगा, मैंने आपको तरीका क्या समझाया था कि जब भी आपको कहा जाए भी हर कंडीशन में 3 रिमाइंडर, मतलब कुछ भी रिमाइंडर बचेगा, जैसे कोई नंबर ये है तो जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको प्लस कर देना। अब मैंने सबसे बड़ा नंबर रिमाइंडर ले लिया, भी सबसे बड़ा नंबर 8 है, ये रिमाइंडर है मेरा, समझ लीजिए, ठीक है?
अब देखो इस एट के अंदर सिक्स का डिवाइड जा सकता, नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि एट के अंदर टू तो है लेकिन थ्री नहीं है, तो थ्री को मल्टीप्लाई में डाल लीजिए। अब फाइव नहीं है तो फाइव को डाल लीजिए। कितना हो गया अपने पास? कितना हो गया? 120 हो गया। अब 120 हो गया तो 120 एलसीएम होगा, लेकिन वो कह रहा है कि आगे कोई नंबर है ये। समझ में आ गई बात? तो मैं यार इसको प्रॉपर तरीके से लिख दे रहा हूं कि अब आपको ये बताना है कि वो कहता है कि अगर हम इसी नंबर को किससे डिवाइड करें, 9 से तो कोई रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। भाई या तो आप ऑप्शन उठा लो। भाई 9 का तरीका क्या है कि बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। देखो मैंने लिखा 1 + 2 + 3, तो 3 और 3 6 हो गया, 6 + 9 तो क्या समझेंगे आप, जा सकता है कि नहीं जा सकता? मतलब कंफ्यूज हो गए कि नहीं जा सकता। अब 603 है 9, तो भाई 9 से तो जा सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन आपको एग्जैक्टली तो नहीं पता है। एग्जैक्टली के लिए आपको क्या प्रोसीजर अप्लाई करना है, थोड़ा सा पहले समझ लो पहले, फिर मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है? चलिए सबसे पहले काम क्या करना था, इस 120 के टुकड़े कर लो। 120 के मैं टुकड़े करूंगा तो ये चला गया 1 + में ये 3 के + में 3। मेरी बात समझे कैसे? देखो अगर मैं इसको 9 पे करूंगा तो कहने का मतलब कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। तो 120 से बिल्कुल पास की वैल्यू क्या है? 117, यानी 13 नीमा 117 होते हैं, 13 9 जा 117। तो 117 पे जब अपने 9 का डिवाइड करेंगे तो कुछ भी रिमाइंडर नहीं बच रहा, आगे बच रहा है 3। तो भाई इसमें हम वैल्यू रख के देख लो, 1 रखेंगे तो 3 बन जाए 3 + 3, तो 6 में 3 का नहीं जाएगा, ठीक है, सॉरी 6 में 9 का नहीं जाएगा। तो मैं 2 रख लूंगा तो 3 × 6 + 3 जो चला गया, इसका मतलब k की वैल्यू कितनी रख सकते हैं? 2। तो 2 यहां पर लगा दीजिए आप, 240 और 3 243 हो गया, आपका आंसर हो गया। तो मतलब ये हो गया कि आपने बिल्कुल पास में, हालांकि ये मैंने भी कुछ 2 मिनट ले लिए, लगेंगे नहीं आपको, मैं गारंटी करता हूँ कि जब आप बड़े प्यार से करेंगे। तो मैं ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको आगे समझाने वाला हूँ, लेकिन उनसे पहले मैं आपको एकदम एलसीएम, मैं दिल से, मेरा दिल खुश हो जाए कि मैंने एलसीएम आपको अच्छे से करवा दिया। हम बढ़ते हैं आगे, हम आगे यूं बढ़ते हैं कि मैं कुछ आपके लिए क्वेश्चंस लिखता हूँ। जैसे मान लो आज मैं कुछ फंडे लिखने जा रहा हूँ आपके लिए, तो पहले तो मैं ये क्वेश्चन के लिए डिटेल में समझा दूँ। अब मुझे एक बात पता है भाई, अब अगर मुझे बात पता है कि अब क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा क्या जा सकता है। अब पेपर के अंदर एक ट्रेंड चेंज हो गया, पेपर के अंदर यह यहाँ तक तो क्वेश्चन सेटिस्फाई निकाल लेंगे बच्चों, वो इनका पूछ लेगा कि सम ऑफ द डिजिट क्या है। मतलब ये 2 4 3 है ना जो आपका आंसर निकला है, आपको सम ऑफ द डिजिट्स पूछ लेगा। तो इसके लिए आपको बहुत आसान तरीका बताऊंगा, बहुत लंबा क्वेश्चन है अगर अपने वैसे इसको डिटेल में करेंगे, लेकिन बहुत ही आसान तरीके से समझा देता हूँ, ठीक है? चलिए मैं बढ़ता हूँ आगे, मैं क्वेश्चन लेता हूँ। मैंने लिखा यहाँ पर, मैंने लिखा फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 5 6 7 8 बट लिव्स, यार इसको समझ लेना आगे, 3, ठीक है, एंड कोमा, बट व्हेन इज डिवाइडेड बाय 9 लिव्स नो रिमाइंडर, ठीक है? तो मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया आपके लिए, मेरी बात समझ गए? ये 2015 के अंदर ये एसएससी मेंस में क्वेश्चन आया था। अगर कुछ लोग कहेंगे कि सर आपकी राइटिंग सही नहीं, एक बार अपनी कॉपी में देख लो यार, तब मुझे देख लेना आप कि आपकी सही है कि मेरी सही है, ठीक है? चलो बढ़िया बात है। तो बाकी प्यारे बच्चों, विद्वान मित्रों, मजाक करने की आदत है, इस वीडियो के अंदर मैं चलता रहता हूँ क्योंकि बच्चों को और भी पढ़ा रहे हैं, तो सेम ही प्रोसीजर होती है, वो आदत बनी हुई है, तो गुस्सा गस्सा मत कर लेना यार, ठीक है? क्योंकि गुस्सा करोगे, कुछ बकोगे, कुछ लिखोगे, तो मैंने तो उस गली से गुजरना नहीं है। चलिए तो सिंपल सी बात है, अब इसके ऑप्शन पेपर ने दे रखे थे, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इस ऑप्शन के अंदर पहले थे 18, फिर 21 और फिर 16, ये आंसर था। अब उसने सम ऑफ द डिजिट्स पूछा है आपसे, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने 5 6 7 8 लिया, तो मुझे पता है कि 8 के अंदर 7 डालना पड़ेगा, 3 डालना पड़ेगा और 5 डालना पड़ेगा, कुल मिलाकर ये हो गया 7 8 56 और 3 15, 5 3 15 इंटू 840, 840 एलसीएम हो गया। अब मुझे पता है कि वो कहता है कि बट अगर मतलब हम लोग क्या करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे तो कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा इसका, तो ऐसी वैल्यू क्या होगी? तो कहने का मतलब उसने अब वो वैल्यू नहीं दिया आपको, आपको उनका सम दे दिया भाई, उन जो आंसर आएगा उसका सम, उनके डिजिट्स का सम कितना होगा। जैसे मैंने ये लिखा है 8 4 12 हो गया, तो 12 लगा सकते हैं, लेकिन ये नहीं है क्या? इस पे आप देखो 9 का जाएगा,
वो कहता है कि 9 का जब डिवाइड करेगा तो कोई भी रिमाइंडर आपके पास नहीं बचना चाहिए। मैं क्वेश्चन दोबारा समझा देता हूँ। आपको छोटे से छोटा नंबर बताना है, उस नंबर का आपको डिजिट ऑफ सम ऑफ द डिजिट बताना है, यानी उसके अंकों का जोड़ क्या होगा, जिसको हम लोग 5, 6, 7, 8 से भाग करें तो 3 रिमाइंडर बचेगा शेषफल। अगर हम उसको 9 से करें तो कुछ भी भाई रिमाइंडर नहीं बचेगा। विद्वान मित्रों कैसे करेंगे, विद्वान बंधुओं आपको ध्यान ये रखना है कि अब देखो आपने 840 के प्लस में कितना रिमाइंडर है भाई, 3 बचेगा, तो 3 वाला नोट कर लिया। यहां तक बात समझ में आ गई। अब मैंने इसके टुकड़े कर देने हैं। अब मैं टुकड़े करूंगा तो मैक्सिमम मैं टुकड़े क्या रख सकता हूँ भाई, मैक्सिमम टुकड़े मैंने तो 9 की वैल्यू देखनी है, तो 9 की वैल्यू के आसपास कितना होगा, 9, 9, 81 होगा, ठीक है, या आप आसपास की वैल्यू देख लो जो 9 से डिविजिबल होगी इसके मतलब वो रख लीजिए आप। तो मैक्सिमम मैं ऐसी वैल्यू रख लेता हूँ कि ये 2 पे चला जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि 2 से करने पर ये कितना होगा कि 84 × 2 बराबर कितना हो गया 16 × 3, तो 1683 हो गया। अब मुझे ये पता है कि 1683 को करने का मतलब कितना है भी, इनसे कौन कौन सी डिविजिबल होगी। अब मैं देख लेता हूँ कि 8 और 1 9 3 3 9, तो पहले तो मैंने एक रूल सिखाया था 3 और 9 का मतलब क्या होता है कि डिविजिबल के अंदर ऐसे 2 संख्याएं जैसे 3 और 9 है उनकी डिजिट्स का सम कर दो, अगर वो 3 और 9 से डिविजिबल है तो इट मीन्स डेफिनेटली वो क्या है, डेफिनेटली क्या है, वो 3 से 9 से डिविजिबल है। तो मेरा मतलब ये हो गया कि 12 है, 12 3 से तो हो सकता है, 9 से हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो ये आंसर आपका बच गया 30 का मतलब। यानी मैं कहता हूँ ऑप्शन से उठा के आप आंसर डाल सकते हैं, ठीक है। तो आप ये याद रखना है कि जब मतलब कि 3 से कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा कि जिसके अंदर 3 और 9 नहीं होगा, ये मैथमेटिक्स के अंदर आप एक शर्त लगा लें, 3 और 9 वाली वैल्यू डेफिनेटली आएगी, तो वह संख्या कटेगी जिसमें शेषफल 3 और 9 बचेगा, ठीक है। तो मतलब मैं कह सकता हूं कि व्हेन द रिमाइंडर अगर आपके पास 3 और 9 है तो डेफिनेटली वो वैल्यू 3 और 9 से क्या होगी, डेफिनेटली कट जाएगी। अब देखो कैसे, मैंने आपके सामने एक बात रखी, मैंने एक बात रखी, क्या रखी, मैंने लिखा यहाँ पर 34, मैंने 3 से करना है। अगर मैं इससे रिमाइंडर पूछूं भी कितना रिमाइंडर बचेगा, तो सर आप ये कह सकते हैं 3 और 4 7 है ना, तो 7 का 1 रिमाइंडर बचेगा, मतलब 3 × 2 = 6 चला गया, 1 बच गया। तो ये चीजें बेसिक सी चीजें हैं। तो मैंने लिखा अगर ये 3 तो मैं 9 से करूंगा तो मुझे पता है कि 3 और 1 = 4 हो गया, तो 4 रिमाइंडर बच जाएगा, क्योंकि 4 पे 9 का डिवाइड जाता है ना, तो 4 डेफिनेटली चेक करके देख लीजिए रिमाइंडर वैल्यू बच गई आपकी। तो ऐसे आपको चुटकुले और फंडे सिखाना चाहता हूं मैं यार, जो आप अच्छे तरीके से समझ सकते हो। बस मेरी आपसे यही गुजारिश है कि इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, और आपसे बदले में मैं ये चाहता हूं कि आप प्लीज इसको मैक्सिमम शेयर करते चलो यार, ठीक है। तो फिर ये बात मत कहना कि सर आप गुस्सा कर रहे हो, तो गुस्सा तो आप दिला देते हो मुझे है? चलो अब मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ आपको, 2-3 तरीके के जो पेपर में हर बार आते हैं। अगले टाइप के क्वेश्चन लिख लीजिए, जैसे मैंने लिखा कि 3/4, 6/5, 9/10, तो मैं आपसे पूछ लूँ कि इनका आप एलसीएम बताइए। देखो एलसीएम निकालने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, एलसीएम निकालने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि जब भी इस प्रकार की वैल्यू दी जाए, जब भी आपको दिया जाए तो ऊपर वाली वैल्यू का आपने एलसीएम कर देना, नीचे वाली वैल्यू का आपने एचसीएफ कर देना, तो ये पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। तो ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम करेंगे तो कितना आ गया, 9 × 2 = 18, 18 आ जाएगा, क्योंकि देखो सबसे पहले मैंने 9 माना, 9 के अंदर 2 3 है बल्कि 2 नहीं है, तो इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो 18 और 18, और नीचे वाली वैल्यू में देखो एचसीएफ का एक रूल होता है कि जब भी फैक्टर वैल्यू आपकी इक्वल नहीं है तो उनका मतलब क्या होता है कि आपका हमेशा एचसीएफ 1 होगा। अब देखो मुझे बताओ इसमें 2 2 हैं, इसमें नहीं है, तो इसका मतलब इनका 1 होगा, तो 18 आप आंसर लगा सकते हैं, देर इज नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, मैं यकीन करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर मैं यही बात करूं कि आपको क्या करना है कि अब इनकी वैल्यू से कुछ भी पूछ सकता पेपर में, जब भी आपसे पूछें तो आपने समय बर्बाद नहीं करना, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं लेकिन मैं वो विस्तार से अपन लोग करेंगे। अब अपन बढ़ते हैं HCF की तरफ। तो HCF क्या है, HCF क्या है, HCF को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब लार्जेस्ट नंबर, वह बड़े से बड़ा नंबर, ठीक है। इसकी डेफिनेशन, इसको करना कैसे होता है, सबसे पहले हम फैक्टर सिस्टम से करते हैं भाई, कोई नंबर 8 और 12 ले लेते हैं, ये 8 और 12 फैक्टर कर लो, 1 पे जाएगा, 2 पे जाएगा, 4 पे जाएगा, 1 पे जाएगा, 2 पे जाएगा, 3 पे जाएगा, 4 पे जाएगा, कॉमन क्या है, ये कॉमन है, तो ये कॉमन है, तो इसका मतलब 2 और 4 कॉमन है, तो सबसे बड़ा क्या है, 4, तो इनका HCF क्या होगा विद्वान मित्रों, 4 HCF होगा। तो हाईएस्ट निकालना है, और लीस्ट के अंदर क्या होता है, स्मॉलेस्ट निकालना होता है। अब देखो
पहला तो तरीका ये हो गया। अब इसकी डेफिनेशन आप समझ सकते हो भाई, इसकी डेफिनेशन अगर मैं लिखूंगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि एच सी एफ ऑफ ए कोमा बी कोमा सी इज द लार्जेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाई एक्स वाई एंड जेड एग्जैक्टली। ठीक है, तो मतलब ये बात हो गई कि पहले तो हम क्या करते थे, जैसे मैं समझा दूं, एलसीएम से एलसीएम को तो अपन डिवाइड करते थे, और एचसीएफ से क्या होगा, डिवाइड होगा भाई, नंबर डिवाइड क्या होंगे होंगे। ठीक है, तो मतलब ये हो गया कि सिंपल सी बात यूं समझें कि एक्स वाई जेड से आपको उस नंबर को क्या करना है, डिवाइड करना है। जैसे कैसे करना है भी देखो, इस मैंने अगर मैं इन चीजों को गायब कर दूं, ये समझ लो, पहले मैंने लिखा कि पहली वैल्यू एक्स और दूसरी वाई है, इन दोनों का एचसीएफ कितना, चार है, तो ये एचसीएफ होगा, ये इसमें भी मौजूद होगा और इसमें भी मौजूद होगा, मेरी बात समझ गए। जैसे यहां पर आठ है और यहां पर बारह, तो कहने का मतलब ये आठ चार से भी कट जाएगा और इससे भी कट जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि इनका एलसीएम, तो एलसीएम मैक्सिमम 24 बनेगा, तो मुझे बताओ 24 को आठ से डिवाइड करेंगे या आठ से कटेगा, मतलब आठ से डिवाइड करेंगे, तो ये उल्टा होता है। ये बात आप समझ में रख लेना ताकि आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं हो। अब होता है कितने टाइप से कर सकते हैं, तो टाइप वही चलेंगे। सबसे पहला टाइप होगा अपना, पहला टाइप होगा कि जो आपको प्राइम फैक्टर सिस्टम से करते हैं अपने भाई। प्राइम फैक्टर तो वही हो गया कि जैसे मैंने 8 का लिखा, तो 8 को 2 × 2 × 2 कर लेंगे, 12 को कर लेंगे 2 × 2 × 3 हो गया, ये कॉमन, तो इट मीन्स कितना हो गया, 4 आपका एचसीएफ हो गया। ठीक है, इसी के बाद में नंबर दूसरा जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है, उसको कहते हैं डिवीजन मेथड। क्या कहते हैं? डिवीजन मेथड। क्या कहते हैं? डिवीजन मेथड। थोड़ा सा ये, हाँ जी, टेक्निकल फॉल्ट हो गया था, सही कर लेना। देखो, इसको कहते हैं भाग विधि। क्या कहते हैं? भाग विधि। अब भाग विधि से कैसे कर सकते हैं, बहुत सारे सम आपको भाग विधि से आसान लगेंगे। जैसे देखो, मैंने 8 और 12 की बात करें, तो मैंने लिखना है यहाँ 12 और यहाँ 8, यानी कहने का मतलब इतना तो आप भी समझते हैं कि छोटा नंबर बाहर रखा जाएगा और बड़ा नंबर अंदर जाएगा। एक टाइम पे गया तो हमने एक टाइम पे लिखा, कितना बचा 4, हमने इस 8 को अंदर रख देना है, तो 4 को दो बार किया 8, कहने का मतलब इसको तब तक करते चले जब तक कि आपके पास रिमाइंडर 0 नहीं बच जाता। अब जो डिवीजर है इनका, जब चला गया तो डिवीजर है, तो ये डिवीजर वैल्यू ही आपकी क्या कहलाएगी, इसका एच सी एफ होगा, जो मैं ऊपर आपको समझाता आ रहा हूं। ठीक है, तो ये जो वैल्यू इनकी बच गई, ये और ये इनका बच गया भाई, इनका क्वोशेंट। ठीक है, क्योंकि इस पे सम ध्यान रख लेना, ये आपको समझ में आना चाहिए, और इसको कहते हैं डिविडेंड। ठीक है, इनको डिविडेंड कहते हैं, और ये आपके हो गए रिमाइंडर। चलिए, अब यहां तक आपको समझ में आया, मैं एक एग्जांपल और दे देता हूँ, बड़ा सा सम लिख लेता हूँ ताकि आपको एकदम भी दिमाग आपका सेंटर में आ जाए। पेपर में आ गया 280 एंड 735 का आपको क्या बताना है, एच सी एफ बताना है। कैसे करेंगे, 735 और 280, देखो स्कूल के अंदर एक घोड़ा छाप बताते थे, घोड़ा छाप इसको बोलते हैं। ये लीजिए, पहले इनको करो प्राइम फैक्टर, फिर दोनों को कॉमन वॉमन निकालते रहो, ऐसा कुछ नहीं करना। इससे कर सकते हैं, दो टाइम चला गया, ये कितना आ गया 556। ठीक है, कितना बचेगा, 175 बच गया, 175 बच गया। तो अब आपके पास वैल्यू क्या है, 280, उसको अंदर रख लीजिए। ये एक टाइम चला गया, कितना बच गया आपके पास, कितना बच गया, मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ दुरुस्त करके थोड़ा सा, एक और 115 बच गया। अब 105 और यहाँ पर लिख लेते हैं 175, ये वन टाइम चला गया 175, तो आपके पास 70 बच गए, और 105 करेंगे तो ये कितना बच गया 70, और यहाँ कितना बचेगा 35, और यहाँ आ गया 70, वो कट गया, कितने टाइम कट गया, ये दो टाइम कट गया, तो जीरो रिमाइंडर आ गया। तो इसका मतलब इसका एच सी एफ कितना आएगा विद्वान मित्रों, 37 आएगा, चाहे आप निकाल के देख लो। ये एक तरीका हो गया डिवीजन मेथड से। ठीक है, अब देखो डिवीजन मेथड की जरूरत कहाँ पड़ती है। एक पेपर मैंने एक पेपर देखा, ये एक दिल्ली गवर्नमेंट का पेपर था, उसके अंदर एक मैथ्स का क्वेश्चन छापा था उन्होंने, उन्होंने दिया था कि अगर, ठीक है ये हिंदी में था तो हिंदी को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो, अगर दो संख्याओं का, इसको कहते हैं महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक भाग विधि से करें तो तीन भागफल, क्या तीन भागफल
पहला था पांच, फिर चार और तीन आते हैं। तो बताओ 32 भाज्य है तो वह संख्या क्या होगी। भाई मेरा मतलब क्या है, मेरा मतलब यह है कि जैसे देखो एक वैल्यू है, ये पहला रिमाइंडर आया, ये मैंने दूसरी बार किया दूसरा रिमाइंडर आया, ये तीसरा रिमाइंडर आया। वो कहता है कि तीसरी संख्या अगर 32 है, ठीक है, यहां से शुरू करेंगे। तो कहने का मतलब देखो तीन कैसे आया, पहले तो मैं आपको समझा देता हूं। जैसे ये मान लो मैंने अगर मेरे पास यहां पर चार लिखा है और वो बोल रहा है यहां पर तीन आएंगे, तो मैं ऐसे किससे डिवाइड करूंगा कि लगभग तीन आ जाए, तो ऐसे तीन से कर दूंगा तो मैं कितना कर दूंगा, तीन चौके 12 हो गया, तीन चौके 12 हो गया ना। तो देखो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, चार से, मेरी बात समझ गए। तो चार तीन 12 कहने का मतलब तीन कर दिया, तो इंटू मैं किससे करूं, 32 से कर देता हूं, और इंटू कितना हो गया, ये हो गया 96, 96 का जीरो रिमाइंडर बचा। अब ये 96 कहां आता, ये 96 कहां आता, ये 96 आता ऊपर वाली वैल्यू में, कहां आएगा इस जगह पर, इस जगह पर आएगा। इसको चार से किया तो चार से कर लो, कितना बन गया ये 416 बन गया ये, ठीक है। तो कहने का मतलब इसको किससे किया आपने, 96 को 416 से डिवाइड किया तो चार टाइम पर कट गया, जीरो रिमाइंडर बचेगा। मतलब मैं नीचे की प्रोसीजर से चल रहा हूं, थोड़ा समझ लेना, ठीक है। अब देखो इसका मतलब इसको भी 416 से करोगे तो 416 इंटू 5 करेंगे तो आपके पास कितना आ गया, 5 का 20 और 21 एंड 16 5 80 और कट गया, तो कितना बन जाएगा आपके पास। कहने का मतलब 5 मैं जोड़ दूंगा ना इसमें, फिर भी आप देख लेना कि 416 16 5 80 बच गया और 5 का 20 हो गया, ठीक है, 5 का 20 और 21 हो गया। तो अब आपके पास ये वैल्यू जब भी आप लिखेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएंगे ये पेपर के अंदर काम करने के लिए। वो ये क्वेश्चन में बोला था आपको 5 का 30 3 बज गया, 5 और 3 8 हो गया, ठीक है, 5 एकम 5 हो गया, और उसके बाद में आपके पास कितना हो गया, 5 का 20 हो गया। तो ये वैल्यू आपके पास यूं बढ़ती रहेगी। अगर ये वैल्यू इस तरह से बढ़ती रहेगी तो आपको एक बात अच्छे से ख्याल में आ गई, एक बात अच्छे से ख्याल में आ गई कि आपको दो संख्या बतानी, तो एक तो ये थी और एक आपके पास 2176 संख्या आ गई। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो फटाफट से एक हिट ठोक दीजिए, फटाफट से आप इसको शेयर कर दीजिए, आप लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। कुछ लोग पता है क्या करते हैं, कुछ लोग पता नहीं मतलब अलग अलग विचार अपने प्रकट करते हैं कि सर आप तो ना 7 मिनट बाद में कोई ज्ञान की बात बताते हो, तो मेरा ज्ञान क्यों लेता है भाई, तो तू मेरा ज्ञान क्यों लेता है, तो तू तेरा ज्ञान रख लेना पास में। तो मतलब अजीब अजीब किस्म के लोग मिलते हैं, समझ में नहीं आता कि पता नहीं बुद्धिजीवी लोग क्या होते हैं, या तो उनको समझने में फर्क होता है या मतलब हमारी समझ से परे है ऐसे लोगों को टैकल करना। तो इसलिए आप इनकी बातों पे विश्वास मत करना, अपनी देखो अकेले चलोगे ना। किसी गालिब ने कहा है कि जिंदगी की मंजिल को अगर छूना है, कोई भी मंजिल है आपकी, टारगेट छूना है, तो आप अकेले चलो, अकेले चलोगे तो आप भीड़ में टकराओगे नहीं, समझ में आ गया। भीड़ होगी तो आप बार बार देखोगे हाँ यार रास्ता किधर था, समझ में आ गया। तो ये कहावत है, दिमाग से जो आपको करवाया जा रहा है उसको समझिए, उसको फॉलो कीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए, आपके डेफिनेटली आंसर आएंगे, और मैथमेटिक्स आपसे हमेशा प्रैक्टिस मांगता है। अब मैं बढ़ता हूँ इसके बाद में अगले, इसको अगले तरीके से, अगला तरीका है मेरा रामबाण विधि। भाई रामबाण विधि मैं तो ऑप्शन उठाता हूँ, रामबाण विधि में ऐसे ऐसे तरीके बताऊंगा कि जो आप कभी सोच नहीं सकते। जैसे मान लो कि मैंने कहा कि आपके पास एक्स और वाई दो नंबर है, क्या है, दो नंबर, और आपको कहा जाता है कि इनका HCF कितना है, इनका HCF 4 है, कितना HCF इनका 4 है। तो कहने का मतलब 4 इसमें भी होगा और 4 इसमें भी होगा, ये बात समझ लीजिए, बहुत ही सीरियस होकर समझ लीजिए इसको, ठीक है। तो यहां पर वैल्यू क्या हो सकती है, या तो यहां वैल्यू हो सकती है 8 और यहां क्या हो सकती है 12, या हो सकती है 4 और यहां हो सकती है 8, ठीक है, इससे कम को वैल्यू नहीं बनेगी जिनका HCF 4 आएगा। अब बनाने को तो ऊपर भी बना सकते हैं अपने, लेकिन मैंने बात की है बस यहाँ तक, दो डिजिट तक, मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूँ। अगर पेपर में कहा जाता है कि इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस है 3, ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि अगर मैं, क्या इन दोनों का डिफरेंस 3 है, क्या इन दोनों का डिफरेंस 3 है, तो मैक्सिमम ये बात याद रख लेना कि जो आपका दो नंबर का HCF दिया होगा उस HCF से कभी भी कम आपका डिफरेंस नहीं हो सकता, उससे डिफरेंस बढ़ के ही आएगा। चाहे मैं यहां पर लिख लेता हूं, चलिए मैं यहां पर लिख लेता हूं 12 और 16 तो भी इनका 4 आएगा, तो इनके बीच में तो 4 डिफरेंस आता है। तो इट मींस आपको क्या समझ में आया कि जो अंतर होगा
मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दूंगा, जो अंतर होगा ठीक है वह HCF से कभी भी कम नहीं होगा। ठीक है, वह HCF से कभी कम नहीं होगा। कैसे? जैसे यहां देखो 8 और 12 है, तो इनका जो HCF आएगा वो 4 आएगा, लेकिन इनका डिफरेंस कभी 3-4 से छोटा नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं कि इनके अंतर क्या होता है कि इट्स HCF इज नॉट लेस देन इट्स डिफरेंस। तो मतलब ये चीज आप आराम से समझ सकते हैं जब भी आपको पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे, बढ़ चलें आपकी परमिशन हो तो। चलिए ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस अपने ले लेते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिखा, अगला लिखा 3/6, मैंने लिखा 6/5 और मैंने लिखा 9/10। अब इनका क्या फाइंड करना है? HCF। तो जब भी इस प्रकार क्वेश्चन दिया जाए तो ऊपर वाली वैल्यू का आपने HCF फाइंड करना और नीचे वाली वैल्यू का LCM फाइंड करना, यही आपका क्या आएगा आंसर। ऊपर वाली वैल्यू में क्या आएगा? 3 आ गया, और नीचे वाली वैल्यू का LCM करेंगे तो 20 आ गया, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 20 हो सकती है, ना माफ कीजिए ये 3/6 है ना, 3/4 कर लो इसको ना, 3/4 कर लो, तो 20 हो गया। यही आपका क्या होगा, पूरे के पूरे सम का क्या होगा, HCF होगा। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। आगे अब अपने ले लेते हैं कॉमन। हालांकि मेरी इच्छा थी भी मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल के अंदर कुछ वीडियोस लेते चलूं, लेकिन मैं सारे के सारे बाकी जो विश्लेषण अपने टेस्ट सेट में करेंगे वहां पर अपने पूरी की पूरी चीरफाड़ करेंगे, इस क्वेश्चन को ऑपरेशंस करते चलेंगे। अब आपको कहा जाता है किस, जैसे मान लो आपको कहा जाता है कि LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर्स इज 60 एंड 5, नोट करते चलिए। ठीक है, और उनमें से पूछा जाता है कि इफ वन नंबर इज 30 तो फाइंड द सेकेंड नंबर। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि आपका सेकेंड नंबर क्या होगा। देखो जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाए तो आपने ध्यान रखना कि आपको क्या निकालना है, कि सेकेंड नंबर निकालना है। आपने यहाँ लिख लेना है कि LCM और यहाँ लिख लेना है आपने HCF। बहुत ही प्यार से समझा रहा हूँ। डिवाइड में जो नंबर आपको दे रखा है, देखो एक्चुअल में रूल क्या होता है, मैं रूल बता देता हूँ आपको। रूल क्या होता है इसका, इसकी रामबाण विधि ये कहती है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल किसके होता है, LCM एंड HCF होता है। ठीक है, अगर ये वैल्यू नहीं है इसको अपने फाइंड करना, तो ये वैल्यू ऑटोमेटिक कहाँ चली जाएगी, अपॉन में चली जाएगी। तो वही यहाँ अप्लाई कर दीजिए, 60 × 5/30 कट कर दो 2 इज इक्वल कितना हो गया 10। चेक करके देख लें कि पहला नंबर 10 होगा, दूसरा 30 होगा, दोनों का LCM करेंगे 60 होगा, HCF करोगे विद्वान मित्रों तो इसका 5 होगा। बताइए आपको मजा आया कि नहीं आया। अगर आया तो बस फटाफट से शेयर कर दो, मुझे एक ही चीज की भूख रहती है। ठीक है, लाइक और शेयर बहुत कम होते हैं। अगर मान लो 200 लोग देख रहे हैं ना, तो 200 कम से कम शेयर तो होने चाहिए, 200 कम से कम लाइक तो होने चाहिए। पीड़ा बताओ क्या होती है, जब आप लाइक कर देंगे तो कोई पीड़ नहीं लगती भाई। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ बार बार कि आप, हम जो मेहनत कर रहे हैं, मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो इसका रिजल्ट मुझे दे दीजिए बस आप। ठीक है, अगर आपको वीडियो के अंदर क्वालिटी में फर्क लगता है या कुछ और इम्प्रूवमेंट इफ यू वांट टू, ठीक है, तो देन प्लीज राइट द मैसेज इन कमेंट बॉक्स, अदरवाइज यू सेंड मी मैसेज बाय व्हाट्सएप। ठीक है, तो गाइस यार वी आर रिक्वेस्टिंग यू प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन मान लो हम अपन इसी सीरीज का ले लेते हैं। मैंने कहा ये भी SSC के अंदर बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ये मैं मानता हूँ कि SSC के क्वेश्चन जिसने कर लिए वो कभी मैथमेटिक्स में फेल नहीं हो सकता। आपको कहा जाता है द LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर, इफ द LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू नंबर्स 84, 21। ठीक है, तो आपको ये कहा जाता है एंड देयर रेशियो इज 4, 1/4, तो फाइंड दोज नंबर। वो संख्याएं बताओ, बताइए। मतलब ये बात होगी कि कोई नंबर है, जैसे ये पहला नंबर है,
ये दूसरा नंबर है। इन दोनों का जो एलसीएम बताया इसने बताया कि 84 है, और एचसीएफ कितना बताया इनका, बोलता 21 है, और 21 है तो इसका मतलब इनका जो रेशियो निकालेंगे तो कितना निकल रहा है, 4/1, तो यही निकल रहा है, तो वहां भी क्या निकलना चाहिए, तो ये वैल्यू अपने पता होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर उनका रेशियो निकलता है तो इसका मतलब क्या हो गया, रेशियो का मतलब ये हो गया कि आपका एलसीएम कितना है फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर के हिसाब से निकालेंगे। तो फर्स्ट नंबर आपका क्या रख लें हम लोग, पहला नंबर x हो गया, दूसरा नंबर 4 हो गया, रेशियो तोड़ेंगे तो x लगा लेते हैं तो कितना हो गया, 4x² हो गया, 84 × 21 हो गया, यानी फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर कट कर देंगे तो कितना हो गया 21, तो x की वैल्यू क्या होगी 21 × 21। सो गाइज हाउ कैन यू सॉल्व, मैंने आपको सिखाया था कि जब किसी नंबर का आप स्केयर हटाएंगे तो सामने वाला नंबर किस में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा, तो x की वैल्यू 21 होगी, तो इसका मतलब 4/1 था, तो आपकी पहली वैल्यू 84 होगी और दूसरी क्या होगी 21 होगी। तो आपको समझ में आया कि नहीं आया, इस प्रकार ये क्वेश्चन आप आराम से इंजॉय से कर सकते हैं। अब मैं जो क्वेश्चन समझाने जा रहा हूँ इतना प्यारा क्वेश्चन होगा कि आपको ये क्वेश्चन बहुत डिटेल से समझना है, बहुत बार पेपर में रिपीट हुआ है। अब पेपर में क्वेश्चन आता है, आपको दिया जाता है कि जैसे कि सम ऑफ द टू नंबर्स इज इक्वल 216 एंड देयर एचसीएफ इज टू, माफ कीजिए, देयर एचसीएफ इज 27। तो आपको पूछा जाता है कि फाइंड दोज नंबर, ठीक है, तो वो संख्याएं बतानी है आपको। अब देखो सबसे पहले मैंने आपसे शुरू के अंदर एक बात बताई थी, जब मैं रामबाण विधि से आपको एचसीएफ समझा रहा था तब आपको मैंने कंडीशन बताई थी कि मान लो कि कोई पहला नंबर और ये दूसरा नंबर है, वो कहता है कि इन दोनों का सम कितना है 216 है, वो ये भी कहता है कि इन दोनों के एचसीएफ कितना है, तो एचसीएफ का मतलब ये हो गया कि इसमें भी 27 मौजूद है और इसमें भी 27 मौजूद है, ये बात आपको समझ में आई, और वो कहते हैं कि इन दोनों का प्लस कितना है 216 है। यहाँ तक जिन बच्चों को बात समझ में आई तो प्लीज़ फटाफट से कमेंट में लिख दीजिए यस सर, चाहे मैं ऑफलाइन आप वीडियो देखो मेरा, लेकिन जरूर यस लिखिएगा, ठीक है। अब आपको एक बात का और अच्छे से पता चल गया कि जब मैं कॉमन निकालूंगा तो कॉमन क्या निकाल सकता हूँ, 27 निकाल सकता हूँ, चलिए 27 निकाल सकता हूँ, तो 216 / 7, तो इट मीन्स 8 टाइम कट गया भाई, एक्स और वाई की वैल्यू कितनी होगी प्यारे बच्चों, 8 होगी। अब मुझे एक बात ये पता लग गई कि जो 8 होगी तो यहाँ पर 5 और 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई, क्या हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकते हैं, मुझे क्या पता कौन कौन से नंबर हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, आपको को प्राइम नंबर फाइंड करने होंगे, कौन से नंबर, को प्राइम। अब को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, को प्राइम नंबर वह होते हैं कि जिनका क्या होते हैं कि ऐसे दो नंबर फैक्टर आप ऐसे करेंगे, देखो को प्राइम नंबर दो तरीके से निकालेंगे, अगर यहाँ पर प्लस की बात है तो ऐसे दो नंबर निकालने हैं, इस 8 के ऐसे दो फैक्टर बनाएंगे कि जिनका एचसीएफ हमेशा क्या होगा 1 होगा। तो ऐसे क्या क्या नंबर हो सकते हैं, देखो अगर मैं क्या बात करूं, 1 तो हो ही नहीं सकता, अगर मैं 1 और 7 की बात करूं जिनका सम कितना बनेगा 8 बनेगा, और जिनका एचसीएफ कितना बनेगा, क्या बनेगा, 1 बनेगा। अब दूसरी बात लेते हैं तो अपने पास कितना हो गया 3 और 5, ठीक है, चाहे प्राइम नंबर उठा लीजिए, तो को प्राइम के अंदर ऑब्वियस बात आ जाएंगे। अब देखो 2 और 4 6 हो गया, 6 और 2 लेंगे तो भाई इनका कितना हो गया, इनके 3 × 2 बन गया, इनका 2 × 1, तो इसका मतलब हो गया कि इनका एचसीएफ कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो हमें वो तो लेना ही नहीं नंबर, हमें एचसीएफ नंबर वो लेना है जिनका एचसीएफ 1 होगा, ठीक है। तो अब देखो ऐसे नंबर, तो अब आप क्या करेंगे भी, इस एक्स को या तो क्या मान सकते हो 1 मान सकते हो, 1x, और 1 को क्या मान सकते हो 7y मान सकते हो, तो दोनों का सम कितना हो सकता है 8 हो सकता है, तो 27 इधर लगा दीजिए और 27 × 7 यहाँ कर लीजिए, तो कहने का मतलब एक तो 27 हो सकता है और दूसरा नंबर 189 हो सकता है, या 3 और 5 से कर लीजिए, 3 × 27 कर लीजिए और 3 × ये इन दोनों को कर लीजिए, तो ये 81 हो गया एंड ये 135 हो गया। तो ये ऐसे दो नंबर होंगे जिनका सम करेंगे तो कितना होगा 216 होगा, इनका भी 216 होगा और इनका एचसीएफ करेंगे तो 27 होगा। ऑलवेज इस तरीके से इसको करना है, आपने कभी मत भूलना, अगर आपको यही कहने को प्राइम नंबर इस तरह से निकालना होता तो फिर आप क्या करते भाई, फिर आप यही तरीका अपनाते या आप ये तरीका अपनाते, ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता, तो फिर यही तरीका आपका इम्प्लीमेंट यहाँ पर होता। तो मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं,
तो अगले तरीके के क्वेश्चन पेपर में ये पूछा जाएगा कि आपको पूछा गया कि जैसे आपको कहा गया कि फाइंड द लार्जेस्ट लार्जेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय, थोड़ा समझ लेना मैं फास्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, चलिए, डिवाइडेड बाय 12, 18 एंड 36 एंड लिव्स रिमाइंडर 8, 12 एंड 32, ठीक है, तो वो नंबर बताना है। देखो कल मैंने क्वेश्चन करवाया था ऐसा, लेकिन आपको क्या करना है, ये तो एलसीएम का क्वेश्चन, चलो यहां पर मैं दे देता हूं आपको स्मॉलेस्ट, ये एलसीएम का मैं क्वेश्चन पहले करवा देता हूं इसी को। तो आपने क्या किया था, ये लिखा था 8, 12, 36, तो 4, 4, ठीक है, तो ये 14 है, ये 4 एंड ये 32, 4, 4 आया था। तो आपने इनका एलसीएम निकालना था और इसको इसमें क्या कर देना था, प्लस कर देना था। ये बात समझ में आ गई, ये मैंने आपको कल अच्छे तरीके से समझाया था, इवन की माइनस होगा, ठीक है, ये बात यहां तक समझाई थी। अगर मैं यही क्वेश्चन आपको ये दे दूं घुमाकर, यहां पर लिख देता हूं मैं फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइडेड बाई 526 कोमा 1307 लिव्स रिमाइंडर 6 एंड 7, ठीक है। तो अब आपको बताना है, देखो पहले नंबर है 526 और दूसरा है 1307, अपने को ये नंबर बताना है, ये नंबर बताना है कि अगर अपने क्या करेंगे, भी 526 से अगर अपने डिवाइड करते हैं तो 6 बचता है, तो अपने को वो नंबर चाहिए, क्या कैसे निकालेंगे। तो इस स्थिति में अपन क्या करेंगे, इस स्थिति में बंधुओं इसमें से 6 और इसमें से 7 निकाल दीजिए, कितना हो गया 520 और यहाँ कितना हो गया 1300, यह बात समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है कि यहाँ 1300 रख लेंगे और यहाँ आप क्या रख लेंगे, 520 रख लेंगे, तो दो टाइम करेंगे तो कितना जाएगा, 140, तो 062 बच गया। अब यहाँ पर 520 रख लेंगे, 520 रख लेंगे तो दो टाइम कट गया, तो कहने का मतलब ये मेरी वैल्यू पूरी पूरी आ गई, मैं समझ सकता हूँ कि 520 आपका आंसर आ गया, 260 यानी 260 आपके पास क्या आ गया, आपका एचसीएफ आ गया। इसमें आपको जो डिफरेंस निकालना है उसका आपको एचसीएफ करना है, न कि आपको गिवन वैल्यू के डिफरेंस का एचसीएफ करना है। प्रीवियस क्वेश्चन, इसको बैक करके वीडियो को समझ लेना, दोबारा नहीं समझाऊंगा। अब इसके बाद में मैं आपको टेस्ट सीरीज करवाऊंगा विद्वान मित्रों, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि अब रात्रि का काफी समय हो गया, तो मेरी इच्छा है कि मैं भी निद्रा ले लूं। आप सभी को भी इस वीडियो के जरिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं, इसको अच्छे से फैला दीजिए, हर किसी बच्चे तक अच्छी मैथमेटिशियन वीडियो पहुंच सके। मैं आपको बता दूं, इसके बाद में हम लोग 200 क्वेश्चन वो करेंगे एसएससी के अंदर, चाहे वो ऑडिट इंस्पेक्टर है, चाहे सीजीएल है, चाहे एमटीएस सीएसएसएल, व्हाटएवर जो भी है, उनके अंदर आए हुए क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज को करना है, बड़े अच्छे से करेंगे, बड़े मजे से करेंगे, आपको बड़ा आनंद आएगा और बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स बताऊंगा। आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी कॉपी पे नोट्स बना लें, क्योंकि ये चीजें आपको बार बार काम आएंगी, आपके बच्चों के भी काम आएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब कि बस आप समझ गए होंगे, फटाफट से ठोक दो एक शेयर, एक लाइक और सब्सक्राइब मत करना भूलना, और बटन दबाना मत भूलना, ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो पहुंच सके। मिलते हैं टेस्ट सीरीज में, तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए और रात्रि के समय को मत खराब करना, जहां मर्जी पढ़िए, जहां मर्जी बैठे हैं, जहां मर्जी फोन लेके जाइए, लेकिन हाँ गिल्ज मेंटोर को प्यार करना मत भूलिए। आपसे मिलते रहेंगे इसी तरह से,